नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अड्डों के सुरक्षा कवच को मजबूत करेंगे बुलेट प्रूफ वाहन और आतंकी हमला होने की स्थिति में हमारे सैनिक संभाल सकेंगे मोर्चा। भारतीय वायुसेना ने अपने सभी एयरबेस की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए सुरक्षा दस्ते में विशेष बुलेट प्रूफ वाहन शामिल किए हैं। ये वाहन पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले जैसी स्थिति में गोलियों और हथगोलों की मार का सामना करने में सक्षम होंगे। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि इन वाहनों को लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स यानी कि LBPV कहा जाता है। इनका इस्तेमाल एयरबेस पर किसी आतंकी हमले के दौरान किया जाएगा। 6 टन के इस वाहन को इस तरह से डिजाइन और विकसित किया गया है कि इसका इंजन आगे और पीछे दोनों तरफ से छिपा रहता है। इसके इंजन को आसानी से निशाना नहीं बनाया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि वाहन को 6 mm मोटी बख्तरबंद सुरक्षा दी गई है। इसकी विंडशील्ड 40 mm मोटी है जो कि AK-47 और स्नाइपर राइफलों की गोलियों का सामना कर सकती है। इस गाड़ी में चौतरफा सुरक्षा कैनोपी है जिससे गनर चारों तरफ निशाना साधकर गोलियां बरसा सकता है। इसे 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलाया जा सकता है। टायर पंचर होने की स्थिति में भी इसे चलाया जा सकता है। इस वाहन के बंद हिस्से में पूरी तरह से सुसज्जित 6 गरुड़ कमांडो या क्विक रिएक्शन टीम के सदस्य बैठ सकते हैं। वाहन के पीछे खुले स्थान में और अधिक सुरक्षा जवान सवार हो सकते हैं। आपको बता दें कि 2015 में 4 आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर घुसपैठ कर लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर सहित अन्य संपत्तियों पर हमला करने की कोशिश की थी। जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। इस घटना में वायुसेना की तैयारियों में कुछ कमियों की बात सामने आई थी। उसके बाद वायुसेना ने न केवल अपने जवानों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया बल्कि साजो सामान जुटाने में भी पूरी गंभीरता बरती। हिंदुजा समूह की कंपनी अशोका लीनलैंड ने इस बुलेट प्रूफ गाड़ी को बनाया है। यही नहीं, इसका इस्तेमाल अर्धसैनिक बल, नक्सल प्रभावित इलाके खासकर की छत्तीसगढ़, झारखंड और आतंकग्रस्त जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अर्धसैनिक बलों को सुरक्षा मिलेगी और वे दुश्मन का सामना बिना जोखिम के कर पाएंगे। साथ ही जवान सुरक्षित तरीके से ऑपरेशन स्थल पर भी पहुंच सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के संबंध में अगर कोई आपका प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।